एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग वॉक पे फिर से स्टार्ट हो गया है हम लोग का। मॉर्निंग में उठना और उठी तो 4 बजे थी, लेकिन थोड़ा लेट में आई। और ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर है, ये फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग भी जरूर बताइएगा। और चलिए वॉक करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो हम लोग वॉक करने के आने के बाद नाश्ता वगैरह हम लोग का हो गया, उसके बाद देखिए पांडे जी कहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए एकदम साफ सफाई पे एकदम भिड़ गए हैं क्या, अभी भी एकदम निकाल रहे हैं पांडे जी इसको घस घस के। बाप रे, पांडे जी बहुत ज़्यादा डस्ट उठ रहे हैं। आपने फ्लावर पहले ही धुल दिया, आपको नहीं धुलना चाहिए था ना। फिर से धुल देंगे। तो फ्रेंड, आप बना रही हूँ आलू का चोखा और बन रहे वाला है, आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनेगी। और सुबह से साफ सफाई हो रही थी तो साफ सफाई कंप्लीट हो गया है, बस पर्दे लगाने के लिए बचे हैं। तो फ्रेंड हमारा बन रहा है चोखा, बस खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी और चोखा, आज है सैटरडे, खिचड़ी और चोखा बन जाएगा। और आज बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई काम करके, तो सबसे ज़्यादा काम किए हैं हमारे यहाँ पांडे जी। और आजकल थोड़ी सी हाउस हेल्पर आ जाती है ना, तो काम थोड़ा सा आसान हो गया है। से वॉक वगैरह करके आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो झाड़ू पोछा बर्तन से हमें मिल गई है आजकल छुट्टी, उसका पूरा हेल्प रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चोखा, अभी थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी अच्छे से। चलिए मैं दिखाती हूँ अब आपको रूम का लुक दिखाती हूँ, रूम में क्या क्या चेंज हुआ है। ये हालत देखिए हमारा। कल जी गई थी मैं घूमने के लिए, आएगा ब्लॉग, वो अभी आया नहीं है। तो सारे कपड़े मैंने धुल दिया है, हल्का सा पानी से निकाल के ना स्पिन करके दे दिया है बाहर। उसके बाद आज पूरी रूम की क्लीन हुई है अच्छे से, और सच में बहुत अच्छा हो गया। हम लोग ना जहाँ भी रहते हैं कभी ये नहीं सोचते कि किराए का घर है तो सफाई नहीं करेंगे, तो हमेशा अपना घर सोच के ही सफाई करते हैं। पूरा रूम इतना अच्छा हो गया, और इस बार फिर से मैंने बेड घुमा दिया। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कॉर्नर का जगह है और मैं इस तरह से रख दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे चेंज चाहिए था इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मुझे अच्छा लगाना है इसको, और मैंने ये थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया। बोले कुछ दिन रखते हैं फिर धोते हैं फिर कहीं और रख देंगे, तो ये मैंने कर दिया है। इधर बस पर्दे लगाने बाकी है, और इसका कवर डालना है, इसमें लगाना है, उधर का पर्दा लग गया है। और बचे हैं थोड़ा सा मंदिर में कपड़े डाल, बस ऐसे गीले करके कपड़े से पोंछ दूंगी मंदिर को बस, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले इसको साफ किया था। लेकिन फिर भी रूम क्लीन हुआ है तो गंदा तो हो ही गया होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा करूंगी। और पर्दे वर्दे लगा दिए हैं मैंने इधर, सारी पूरी क्लीनिंग हो गई है, डस्टिंग पूरी हो गई है, बस थोड़ा सा काम बचा है। बाहर कपड़ा रखा है उसको देना है मशीन में, कपड़े इसको अब मशीन में अब शाम में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी मैं मशीन। इसमें है फ्लावर, अब ये सोच रही हूँ कि इसको कहाँ लगाया जाए, ये जो है ना कहाँ पे लगाएं जो अच्छा लगे, देखते हैं। आइए, पांडे जी का प्ले बटन रह गया साफ करना, जो हमारे घर का रौनक है, इसको जब तक साफ ना करो ना, तो ये रह गया साफ करने के लिए, तीन इसको सफाई करना है। अब ये फ्लावर कहाँ सेट होगा, चलिए लगा के फिर आपसे मिलते हैं। देखिए अब उनका भरिया, देखिए अच्छा लग रहा है ना। बस इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बस ये अच्छा लगे, ये वाले पांडे जी बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, रहने दीजिए, अच्छा एक दो दिन में अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा सा चेंज हुआ है ना रूप, मुझे तो अच्छा लग रहा है, चेंज करके ना तो अच्छा लगता है। पांडे जी का भी प्ले बटन साफ हो गया, आप लोग बताइएगा। खिचड़ी हमने चढ़ा दिया, चौथा हमारा बन गया, गैस को कम कर दूंगी और मैं चीजों के स्थान करूंगी। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 सारा काम कम्प्लीट है, खिचड़ी भी बस 5-10
टेस्टी लगेगा। मिलते हैं आपको बाद में। बच्चे का हो रहा है फ्रेंड क्लास। अब मुझे लगी है भूख, क्योंकि आज सुबह हमने 7:30 बजे ने फ्रूट खा लिया था।